हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिसेंट्रलाइज माना वगैरह हम बात करने वाले हैं। तो मैंने इस पे दो वीडियोस पहले ही बना रखी हैं। आप लोग ने अगर चेकआउट नहीं की तो आप लोग प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग ने अपना प्यार दिखाया था। तो लास्ट टाइम 1.3K और 1.1K, तो 2 हफ्ते पहले, 13 दिन पहले, और एक बार और बना दी थी आप लोग के लिए, आप देख सकते हैं 6 दिन पहले। तो आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को। तो हम लोग पहले न्यूज़ से कवर कर रहे होंगे, जैसे बिटकॉइन हॉल्ट लूजर्स एमिट क्रिटिसिज्म, ETF रिजेक्शन हैव कॉस्ट इन्वेस्टर 12,700% गेन। अच्छा खासा हमें गेन देखने को मिला ETF लॉस, मतलब ETF की न्यूज़ के बाद। तो देखिए अभी तो हमारा क्या कह सकते हैं, आइसिंग ऑन द केक है एक तरीके से, आप समझिए कि भाई अभी तो सुपर ऊपर से आपने खुदा है। ETF के आने के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यूज इसकी इंक्रीज़ हो रही होंगी। ETF पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी, नहीं तो चैनल जाके चेकआउट कर लेना। बहुत अच्छे से ETF को एक्सप्लेन किया है कि ETF होता क्या है। उसके अलावा ये प्रूफ ऑफ वर्क पे बताया गया है कि Web 3.0 काम कर रहा है। Web 3.0 भाई अपना फेसबुक का नाम चेंज कराने का मेन मकसद था, जिसमें हम लोग एनोनिमस हो सकते हैं और डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे, तो बढ़िया रहेगा अपना। उसके अलावा बिटकॉइन अपना 90 के हिट करने वाला है कुछ हफ्तों के अंदर, जबकि हमारा एक पुल बैक आया है। तो टेक्निकल एनालिसिस हमारा बताती है कि हम लोग वापस से ऊपर की तरफ भागने वाले हैं। और ये अपना एक देख सकते हैं आप ग्राफ, तो देखिए ये अपना 2013 के हिसाब से पूरा पूरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैच हो रहा है। और जो भी सब ट्रेंड्स फॉलो होने चाहिए सारे के सारे हो रहे हैं। अगर आप लोग थोड़े बड़े यूट्यूबर्स का जाके देखेंगे तो वहाँ भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, वो हर एक ट्रेंड को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक्सप्लेन करने का क्या फ़ायदा जब हम बता सकते हैं कि सब एक चीज़ सही है, हर एक चीज़ बढ़िया है। और अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो मैं तो हूँ ही। अगर आप लोग फालतू अपना समय लगाना चाहते हैं तो आप लोग सीखें, ज़रूर सीखें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो देखते रहा करें, उसके अंदर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। कम टाइम के अंदर आपका कम से कम टाइम लग रहा होगा। और उसके अलावा RSI आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवर बाइंग हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग मनी फ्लो इंडेक्स के अंदर देख सकते हैं ओवर बाइंग यहाँ 80 के ऊपर हरदम होती है। तो 80 के ऊपर गई, अब नीचे की तरफ आएगी, ओवर सेलिंग होने वाली है। तो देखिए डिसेंट्रलाइज माना हम लोग ने बहुत पहले ही रिकमेंड कर दिया था। टेलीग्राम पे आइए, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टेलीग्राम पे आइए, चेकआउट कर लीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए निकल जाना वापस, आपको अगर फ़ायदा ना हो तो। तो बस आज की वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। हम बस यही बोलना चाहेंगे, मार्केट हमारी ग्रीड के अंदर चल रही है, या आपको ग्रीड पर इंडेक्स अपना दिख रहा है तो भाई थोड़ा संभाल के इन्वेस्ट करना, क्योंकि अभी दिक्कतें चालू हो सकती हैं। और यहाँ पे तो कुछ आपको खासा मिलेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल है। NFTs के बारे में बताते रहा जाता है, तो NFTs के बारे में मैं दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और ये आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, बाइनेंस, वजीरेक्स और कोकॉइन, इसके अलावा कॉइन बेस पे अवेलेबल है, सबकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड वहाँ से करेंगे तो आपका जो फीस है वो 50% तक ऑफ हो रही होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। And I need all of you to stop what you're doing and listen.